नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? देखिए, एक पुरुष जब किसी स्त्री के साथ सेक्स करता है तो जो मिनिमम टाइम होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो मिनिमम 40 से 50 मिनट होना चाहिए। अगर ये टाइम 40 से 50 मिनट से कम है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे होती है और क्यों होती है? दोस्तों, आजकल जो हमारी ज़िंदगी है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आदमी लोग सवेरे से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। सवेरे उठते हैं, ऑफिस भागते हैं, आधा एक घंटा पहले जाम में फंसते हैं, बड़ी मुश्किल से वो ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस के बाद उनके पास टाइम नहीं होता लंच करने का और बिल्कुल भूखे पेट वो शाम को घर पहुंचते हैं। एक डेढ़ घंटा और गाड़ी में उनको लगता है, जाम में फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचते हैं। फिर शाम को जब वो खाने को बैठते हैं वो बहुत सारा खाना खाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया, प्रॉपर डिनर नहीं किया, और शाम को वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ख़राब हो जाता है और हमारे में मोटापा आ जाता है। जो ही मोटापा आएगा उससे क्या होगा कि आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो कम हो जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता है। और आपको पता है जो हमारा पेनिस होता है इसमें बहुत छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स होती हैं, इनमें ब्लॉकेज सबसे पहले हो जाता है और इसकी वजह से बॉडी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। साथ में वो पेशेंट जो दिन में 10 से 20 सिगरेट पीते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो ही आप सिगरेट पीते हैं जो धुआं आपके फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के बाद तो वो जो धुआं पूरे बॉडी में फैलता है, हमारे वेसल्स से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो उन वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। और आपको ये पता है जो पेनिस है इसमें बहुत सारी माइक्रो वेसल्स है और सबसे पहले हमारी बॉडी में ये पहला ऑर्गन है जिसको ज़्यादा डैमेज होता है, उसके बाद आँखों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे पहले पेनिस में होगा। जब भी ये सारा धुआं उन नसों पे जम जाता है अंदर से तो उसकी वजह से स्टेनोसिस हो जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ जाती और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर हो नहीं पाता। और साथ में अगर आपको स्ट्रेस हो, आप अगर प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते हैं, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं और अगर आप जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आजकल बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं उनमें डायबिटीज़ पाई जाती है, उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। और अगर साथ में डायबिटीज़ के साथ में उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने आप को ठीक रखना, फिट रखना, दो तीन चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत बढ़िया रहेगी। सबसे पहले आप सवेरे उठिए, 40 से 50 मिनट वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। इन 50 मिनट में आपको 5 से 6 किलोमीटर चलना है। उसके बाद आप प्रॉपर अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, नॉर्मल लंच करिए और लाइट डिनर करिए। साथ में आप दिन में 300 ग्राम का फ्रूट ज़रूर खाइए, 10 से 15 बादाम डेली खाइए, 2 से 3 अखरोट रोज़ाना खाइए और साथ में बैलेंस डाइट ले लीजिए। जंक फूड को बिल्कुल ना लें, उसको ख़त्म करें, उसको बिल्कुल उसका उपयोग ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दें। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, आप सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। किसी ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं जो आपको पूड़ियों में दवा दे, आप प्रॉपर एक अच्छे से बढ़िया से क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए, दवाइयाँ मार्केट से खरीदिए, आप 100% ठीक हो सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इसको 100% ठीक किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है।
इसके साथ में अगर आप एक बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ठीक करेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक करेगा, आपकी टाइमिंग को भी बढ़ाएगा, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को भी ठीक करेगा, आपकी डिजायर को भी बढ़ाएगा, और साथ में आपकी जो अगर मान के चलिए आपकी बॉडी में इनफर्टिलिटी है उसको भी ठीक कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, वॉक करें, स्मोकिंग बंद करें, बढ़िया खाना खाएं, 300 ग्राम फ्रूट्स डेली लें, एलमेंट्स यानी कि बादाम 10 से 15 डेली लें, दो या तीन अखरोट रोजाना खाएं, फ्लैक्स सीड को खा सकते हैं, ब्रोकली को खा सकते हैं, फिश को डाइट में इंट्रोड्यूस करिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो काली उड़द की दाल या ब्रोकली को आप हफ्ते में दो बार जरूर खाएं। अगर आप ये चीज करते हैं डेफिनेटली आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन कभी नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, मैं सेक्सोलॉजिस्ट हूं, मैं साउथ दिल्ली सदर इनक्लेव में बैठता हूं। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं librate.com/DrVinodRaina। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप मेरे से चैटिंग कर सकते हैं लाइब्रेट के प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद।